तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी मैं हूँ कार में और आप लोगों के एक लिटिल सरप्राइज है। मैं लिटिल सरप्राइज आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये है हमारा लिटिल सरप्राइज। तो ये है अपनी एक्सपल्स, सुपर मोटा एक्सपल्स जो मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ उसके लिए। पीछे का 17 इंच का रेयर व्हील मैंने, रेयर रिम मंगाया था मैंने। अभी करोलबाग जा रहा हूँ बाइक के। मैंने बाकी दोनों व्हील्स भी उतार लिए हैं और एक स्पेयर टायर पड़ा था मैंने वो भी ले लिया है। अभी करना क्या है, क्योंकि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़रा मेरे पैर के अंगूठे की थोड़ी सर्जरी करवाई थी। वहाँ पे एक नाखून था जो स्किन के अंदर इंटरेक्ट कर रहा था, तो उसके वजह से स्किन में थोड़ा मतलब अंगूठे में इशू हो रहा था। वो पेन भी कर रहा था और उसके अंदर इन्फेक्शन भी बढ़ रहा था पैर के अंगूठे के अंदर। तो अभी मैं गाड़ी इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि भाई इतना सारा सामान और बाइक पर मैं ऐसे नहीं लेके जा सकता था। तो गाड़ी चलाने में इतना दिक्कत नहीं हो रही, बाइक चलाने में ज़्यादा इशू होता अगर मैं ये सारा सामान एक साथ लेके जाता। तो तो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सब लोगों के। और ये डे टू, कल वहाँ से निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया था। मैं रणजीत सिंह 6:30-7 बज गए थे और फिर रस्ते में आते आते मैं लक्ष्य घर चला गया था। तो इसलिए मैंने घर पे आके बस रात को मैं व्हील लगा दिए मैंने बस झटपट। तो हमारा पीछे वाला व्हील भी लग गया, आगे वाले की अलाइनमेंट प्रॉपर हो गई थी, आगे वाले फिट कर दिया था मैंने आके। अभी क्या है, इसको एडजस्ट करना है क्योंकि टायर निकाल के लिए जब निकालते हैं तो ये लूज़ करने पड़ते हैं हमें। और ये होते हैं हमारे चैन के एडजस्टर्स दोनों साइड, ताकि चैन पूरी टेंशन में रहे और स्लैकिंग ना करे। तो अभी इनको सेट करना है मेरे को बस। तो भैया, टायर को एडजस्ट करने का तरीका कुछ ऐसा है, पहले इनको काफ़ी लूज़ कर लो ताकि दोनों बराबर में आ जाए। और जो आगे वाली साइड होती है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो ये वाली साइड होती है ना हमारी, इसको दोनों तरफ से हमें बराबर रखना होता है ताकि यहाँ पे जो गैप है वो दोनों साइड बराबर रहे, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और बाद में अपनी टायर को रोल करके देखना कि आपकी चैन को हाथ लगाएगी, चैन ज़्यादा टाइट तो नहीं है। नॉर्मली चैन के अंदर
वन इंच तक का अप एंड डाउन फ्री प्ले होता है, सिर्फ इतना ही होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए फ्री प्ले और ना इससे ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको टाइट, अब इसको टेंशन में लाते हैं वापस प्रॉपर, ठीक है। भैया देखो शोर के लिए माफ कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे घर के साइड में हो रहा है कंस्ट्रक्शन, कोई नया घर बन रहा है पड़ोस में, ठीक है। तो जिस चैन के फ्री प्ले की बात कर रहा था वो ये होता है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा लूज है, तो मैं जैसे ही चैन को टाइट करूँगा ये टाइट हो जाएगा ये हमारा। ये देख सकते हो चैन कितनी ज़्यादा टाइट हो गई है, मेरे को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा यार इसको। बट एक्चुअली चैन से एक नया डलना है, तो इसलिए ये एक ही साइड पे ज़्यादा टाइट है, लूज कर देता हूँ। हाँ तो भाई प्रेजेंट है अपनी एक्सपल्स, सॉर्ट ऑफ अ सुपर मोटो एक्सपल्स। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये वीडियो कंटिन्यू हो रही है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 हफ्ते हो गए जब से मैंने टायर 17 इंच करवाया है, ठीक है। 2-2.5 हफ्तों में मैंने इसको अच्छे चला भी लिया और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं इसका फ़ायदा क्या रहा मेरे को और मेरे को नुकसान क्या होगा इससे। नुकसान तो कुछ खास नहीं है, अगर तुम इतना मॉड्स कर रहे हो पैसा लगा रहे हो तो आई थिंक तुम उस नुकसान को भी झेल सकते हो, कोई तुम्हारे ऊपर इशू आएगा नहीं, ठीक है। मतलब ये रिम चेंज का रिव्यू भी हो गया साथ साथ उस रिम का, तो अभी बात करते हैं इस रिम को लेके हम ज़रा, ठीक है। ये जो मैंने पीछे रिम करवाया 17 इंच रिम, आगे तो चलो देखा जाएगा, आगे तो सिटी राइडिंग में कम्फर्ट है और हैंडलिंग वगैरह में इजी हो जाती है छोटे व्हील के साथ, ठीक है। बट मैंने पीछे 17 क्यों करवाया, तो पीछे 17 करवाने का रीज़न ये था कि 17 इंच में स्ट्रीट टायर्स अच्छे मिलते हैं, 18 इंच में स्ट्रीट टायर कोई भी कंपनी नहीं बनाती। जो लोकली अपने ब्रांड मिलते हैं सीएट और MRF, दो सबसे बड़े ब्रांड हैं जो लोकली हम लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने जिन भैया से बात करी थी वो दोनों ही ब्रांड के टायर सप्लाई करते हैं, वो पहले MRF का काम करते थे पूरा, अभी वो सीएट का करते हैं। आई थिंक उन्होंने MRF बंद कर दिया होगा मे बी। 18 इंच में थे वो सिर्फ डुअल पर्पज टायर थे और वो भी 120 सेक्शन का टायर मिलता था, उससे ज्यादा अगर वाइड टायर हम लेने जाते हैं तो 18 इंच में वो नहीं मिलता। हिमालयन में इसलिए बेटर है क्योंकि हिमालयन में पीछे 17 आता है, उसमें हम 140 भी इजी लगाते थे। मैंने पहले मेरी हिमालयन में 140 डाला था स्ट्रीट पे चलाने के लिए, उसका तो खैर मैंने सेल कर दी थी, पर स्ट्रीट में 140 टायर बहुत अच्छा चलता था हिमालयन में। हैंडलिंग कॉर्नरिंग काफी हद तक इंप्रूव हो गई थी उस बाइक की। अभी तो मेरे पास ये ऑफ रोड टायर पड़ा था और आजकल मैं थोड़ा सा संडे वगैरह को आ जाता हूँ और मेरे को वीक डेज में इतनी बाइक चलानी, तो इसलिए मैंने अभी ऑफ रोड टायर लगाया। ये टायर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ये देख लो ये इतनी सी बची है और ये एक्चुअली में इतनी होती है, ये सेंटर वाली इतनी मोटी गुट्टी होती है, ये सेंटर वाली गुट्टी इतनी मोटी होती है, तो ये टायर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग ट्रेल्स वगैरह करूँगा तो टायर खत्म हो जाएगा। अभी डाला क्यों मैंने टायर, तो मैंने रिम इसलिए डाला क्योंकि मुझे 140 या 150 सेक्शन का टायर चाहिए था पीछे बाइक में सिटी पर्पस ज़्यादा यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं आजकल बाइक सिटी में ज़्यादा चला रहा हूँ। मेरे पास 18 इंच का रिम भी रखा है, मेरा 21 इंच का भी रिम रखा है, मैं फ्यूचर में एक हब मंगाऊंगा और दोनों टायर प्रिपेयर कर लूँगा अगर मुझे लगा कि 18 में चलानी है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है अगर मैं ट्रैक वगैरह ऑफ रोडिंग ट्रैक में भी लेके जाऊँगा तो मैं पीछे 17 ही रखूँगा। 17 इंच में काफ़ी अच्छा है कि थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाती है, तो आगे फ्यूचर में आने वाले मोड 17 इंच को बहुत अच्छे से हेल्प
हेल्प भी करेंगे मेरे को। अभी तो ये बता दिया मैंने फ़ायदा क्या हुआ, थोड़ी एक्सेलरेशन वगैरह इंप्रूव हो जाती है और बेटर स्टेबिलिटी मिल जाती है, और टायर्स आफ्टर मार्केट टायर्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि अब मैं इसमें डालूंगा, मैं फ्यूचर में सोचा है मैं 140-150 सेक्शन का टायर डालूंगा, 17 इंच रेडियल देखूंगा, रेडियल चांसेस तो रहेंगे रेडियल टायर डालने, क्योंकि वो रोड पर ग्रिप बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी भैया से बात करके आया था, सीएट अभी कुछ और नए टायर्स लॉन्च करने वाला है, मैं भी लॉन्च कर भी दिए हूँ, मुझे पक्का पता नहीं, वो कह रहे थे कुछ ही दिन में लॉन्च होंगे। अभी के लिए मैं इसका ड्रॉबैक बताता हूँ, इसका ड्रॉबैक ये है कि भाई माइलेज ड्रॉप हो जाती है आपकी। देखो मुझे उस माइलेज ड्रॉप से इतना इशू नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ड्रॉप होगी आई थिंक, मैंने टेस्ट नहीं करा है, क्योंकि मैंने ABS स्विच ऑफ किए थे मेरे बाइक के, तो उसके जैसे मेरा स्पीडोमीटर और क्या नाम है टैकोमीटर दोनों ही बंद पड़े हैं, तो ना किलोमीटर्स काउंट बढ़ते हैं ना स्पीड मेरी दिखती है, तो मैं उसके प्रॉपर बता नहीं सकता, पर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 3-5 मतलब 3-5 किलोमीटर के बीच में कुछ फ़र्क पड़ा होगा माइलेज में। जैसे पहले मेरी बाइक देती थी 40-45 के आसपास की माइलेज, डिपेंड होता ड्राइविंग कंडीशन, अभी ये 40-35 के बीच में दे रही होगी, मेरी 40 भी दे रही होगी, तो वैसे तो एक्सपल्स की माइलेज बहुत अच्छी है, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, अगर कोई पीछे 17 डाल रहा है तो भाई पीछे 17 डालने वाला बंदा तो भाई और वैसी बात है एक्सपेरिमेंट कर रहा है बाइक पे मोड कर रहा है, तो उसको इशू भी नहीं आएगा इतना कुछ खास। तो इस वीडियो में इतना ही, हाँ और मैं इसका कॉस्टिंग बता देता हूँ, मैंने हब मेरा चेंज नहीं किया है, मैंने सिंपली पीछे एक 17 इंच का रिम डाला है, वो 17 जो मैंने डाला है वो था हमारा इंपल्स का रिम डायरेक्टली उस हब के साथ, स्पॉक्स बिल्कुल काउंट फिट है, और हाँ इसमें आप हिमालयन का रिम भी डाल सकते हो, फ़र्क क्या है हिमालयन का रिम आई थिंक थोड़ा सा और ब्रॉड है, जब मैं ये रिम फिट करवा रहा था तो वो भैया मेरे को बता रहे थे कि हिमालयन का रिम थोड़ा सा और ब्रॉड आता है, इससे आप अगर फ्यूचर में 140 या 150 का एक्स्ट्रा टायर डालेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छे से फैल जाएगा, वो ज़्यादा राउंड नहीं होगा रिम के ऊपर, तो आप वो भी डाल सकते हैं हिमालयन का। मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी, मतलब ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो 1075 का शिपिंग ऐड करके मिला था, आई थिंक हिमालयन का अगर आप रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वो 2000 के आसपास का रिम है, मैंने पता तो किया था पहले पर मैंने वो डाला नहीं, वो 2000 का रिम है, इसको बनाने की कॉस्टिंग कुछ नहीं है, वो बंदे मतलब मेरे लगे थे स्पॉक्स और रिम की मेकिंग को टोटल मिला के 1200 रुपये लगे थे, उन्होंने स्पॉक्स भी खुद से डाले थे और इसके बनाने के चार्जेस सारे उसी में थे, मतलब मेरा जो पुराना रिम उन्होंने पूरा खोले, मेरे पुराने सारे स्पॉक्स खोले, पुराना रिम और स्पॉक्स सारे मैं लेके आ गया था साथ में, उन्होंने मेरे को दे दिए थे, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग ये थी, और फ्रंट टायर की अलाइनमेंट कॉस्टिंग 500 रुपये, मतलब आई थिंक इतनी होगी 500 रुपये के आसपास, ऐसा मार्केट में टोटल मैंने और भी पता किया तो सब 500 रुपये लेते हैं, पर दुखद बात ये थी कि मेरे नजफगढ़ में जहाँ इस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझे अलाइनमेंट वाला मिल नहीं रहा था, कोई अच्छा अलाइनमेंट वाला होगा शायद एक या दो बंदे मुश्किल से होंगे, और कोई भी एक इतने अच्छे अलाइनमेंट वाले नहीं थे कि कोई परफेक्ट अलाइनमेंट करके भी दे दें। और भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ अलाइनमेंट की वजह से इशू क्या हुआ मेरे को सबसे बड़ा, याद है आप लोगों को मैंने पेंट किया था, और जब अलाइनमेंट हुई ना उन्होंने मतलब जैसे जो हैमरिंग वगैरह की रिम को अलाइनमेंट के लिए बिल्कुल शेप में वो जो मेजरिंग करते हैं, तो उसके से मेरा सारा पेंट चिप हो गया, पर कोई नहीं ये तो मेरे को वैसे भी चेंज करना था। अभी इसके लिए प्लान ये है कि मैं दोनों रिम एक साथ उतारूंगा बाइक के और एक पेंटर बंदे को दे के आऊँगा, तो फ्यूचर में वो भी आएगा, फ्यूचर में बाइक के पास और बाइक के ऊपर और भी मोड्स आएंगे, मैं इसका थोड़ा सा ये रैप है जो पुराने स्टॉक कंपनी से डिकेल्स आते हैं ये भी हटवाऊँगा, ठीक है, और पीछे की टेल का देखेंगे, अगर ये अच्छी लगी तो इसको थोड़ी स्मूथ बनाऊंगा, वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है डुअल टेल, काफ़ी हद तक डर्ट वगैरह से बच जाता हूँ मैं इससे, और लाइट भी थोड़ा शेड में आती है तो लगती है। हाँ पीछे टायर छोटा करने से हाइट कम हो गई है, पर ज़्यादा नहीं, पीछे से हाइट थोड़ी बहुत कम हुई है, इतना हाइट का कुछ इशू नहीं आता। अगर आप पीछे अगर आपके पास रैली वाली बाइक है तो अगर आप पीछे टायर छोटा डालोगे ना तो आपको पीछे से पीछे इतना हाइट से पता नहीं चलेगा कि बाइक डाउन हो रही है नहीं हो रही है, अगर आप आगे 20 और पीछे 18 चलाओगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीछे से मुश्किल से 1 इंच या आधा इंच के आसपास बाइक नीचे होती है, क्योंकि आगे वाला सस्पेंशन भी थोड़ा बहुत कंपनसेट करता है, इसलिए 1 इंच या आधा इंच बाइक छोटी होती है पीछे से मेरे अंदाजे से, क्योंकि मुझे इतना ही फ़र्क पड़ा है। हाँ जैसे मैंने जब से मैंने शॉकर राइजर्स डाले थे तो बहुत इंप्रूवमेंट मिली थी मेरे को। तो ये वीडियो यहीं तक, और भाई ट्रेल की वीडियो इससे नेक्स्ट आने वाली है, जो मैं संडे को आया हूँ अभी जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो अभी हमने संडे राइड पे था, आज की राइड थी सोलो, क्योंकि दीपक गया था बद्रीनाथ और किसी का कोई प्लान नहीं था, मैंने एक दो बंदों से और पूछा तो किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, वीडियो आई थिंक यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है, इससे नेक्स्ट ट्रेल की वीडियो आएगी भाई ज़रूर देखना, और वैसे तो मैं वीडियो के एंड में वो डालता हूँ तो उसमें आई थिंक तुम्हें रिकमेंड भी होगा नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है, तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेल बाइक वाली में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।